वालेकुम फ्रेंड्स। तो भाई हाजिर है एक न्यू व्लॉग के साथ, और आज के व्लॉग में हम शेयर करने जा रहे हैं एक स्टोरी, और जो कि रिलेटेड है मेरे एक फ्रेंड के वालिद साहब से। वैसे तो हर इंसान में थोड़ी बहुत खामियां भी होती हैं, अच्छाइयां भी होती हैं। इन उनके वालिद में भी एक छोटी सी खामी ये थी कि वो छोटी छोटी कहानियों को बहुत बड़ी करके सुनाते थे, लाइक जिसको हम हुरफे आम में कहते हैं लंबी लंबी छोड़ना। तो ज्यादा बात ना करते हुए डायरेक्ट कहानी की तरफ आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा, हाथ नहीं मिलाऊंगा, ठंड बहुत है। अंकल अब्दुल्ला कहाँ है? अब्दुल्ला बेटा बाहर गया हुआ है। अच्छा, बेटा कैसी बस तबीयत अंकल है अल्लाह का शुक्र। और क्या चल रहा है बेटा जी आजकल? अंकल, अभी अभी बीबीए किया है, वो मास्टर करने का इरादा है। बीपीए में क्या जीपीए बनी है बेटा? 3.5 बनी है बेटा अंकल। बहुत कम नहीं बनी? बेटा जब हमने बीपीए किया था हमारी तो 3.99999 बनी थी। ब्यूटीफुल। ओ जी अच्छा, माशाल्लाह अंकल, माशाल्लाह। और बेटा कार ले ली है? जी अंकल, अभी अभी ली है। ड्राइविंग आ गई? जी बस अभी अभी ड्राइविंग सीखी है, तो बस रिवर्स करने में थोड़ा मसला होता है। बेटा जब हमने नई नई गाड़ी ली थी हमें तो चलानी भी नहीं आती थी। पहली बार सीट पे बैठे तो 1 किलोमीटर तक हमने रिवर्स में ही गाड़ी चलाई। कुछ भी। वाह माशाल्लाह अंकल। नहीं अंकल, ये मेरे साथ भी हुआ था। जब मैंने नई नई बाइक ली थी ना, तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। बेटा बाइक रिवर्स चलाई थी? नहीं, अंकल बाइक रिवर्स कहाँ चलती है। मैं हुआ ये था कि मैंने नई नई बाइक चलाना स्टार्ट की थी, तो मैं नॉर्मली मैंने घर से बाइक निकाली, बड़े भाई वगैरह को बाइक चलाते हुए देखा था, तो मैंने घर से बाइक निकाली और स्टार्ट करके मैं निकल गया। तो हुआ ये कि मैं नुमाइश तक पहुंचा तो ट्रैफिक पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया, और रोक के उसने नॉर्मली चालान काट दिया। बेटा हेलमेट नहीं पहना हुआ था क्या? नहीं, अंकल हेलमेट पहना हुआ था। तो बाइक के डॉक्यूमेंट नहीं होंगे? गाड़ी के डॉक्यूमेंट भी थे। तो बेटा वन वे चला रहे थे नहीं नहीं क्या? अंकल, वन वे नहीं चला रहा था, मैं अपने रोड पे ही था। तो बेटे फिर क्यों काट दिया मैंने आपको चालान? अंकल कहा ना कि मुझे चलानी तो आती नहीं थी, तो फर्स्ट फर्स्ट टाइम चलाई थी। तो मैं वहां, तो उसने कहा कि भाई ये दो टायरों पे चलती है, तो एक टायर पे चलाता हुआ आ रहा है। तो अच्छा, मुझे तब पता चला कि बाइक दो टायरों पे चलती है, मैं तो नॉर्मल एक टायर पे ही चला रहा था। तो ये थी स्टोरी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसके अलावा घंटी का बटन दबा दें ताकि जो भी मैं स्टोरी बनाऊँ वो आप तक पहुंचती रहे। और आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसे वाकयात हुए तो काइंडली मुझसे जरूर शेयर करें। थैंक यू।